हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर 5, ए वीजल इज इन फॉर्म एज एन इन्वर्टेड कोन। क्या कहता है, एक वीजल किस फॉर्म का है? इन्वर्टेड कोन, यानी कि कोन को उल्टा कर दिया गया है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। जो हाइट है कोन की वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। या वीजल की जो हाइट है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और जो कोन की रेडियस है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और वो ऊपर से क्या है? ओपन है। ठीक है बेटा, इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। क्या कहता है कि इसको फिल कर दिया गया है किससे? वाटर से। कहाँ तक? ब्रिम तक। वेल लेट सोर्स ईच ऑफ विच इज ए स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इन टू द वीजल। क्या कहता है, जब हम इसमें लेड शॉट्स डालते हैं, और वो लेड शॉट किस टाइप के हैं? स्पेयर टाइप्स के हैं, और जिनकी रेडियस कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर है इस वीजल में। तो 1/4 ऑफ वाटर फॉलोज आउट। तो 1/4 ऑफ वाटर यानी कि इसके वॉल्यूम का जितना इसमें पानी था उस वो कितना 1/4 पानी बह के बाहर आ जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ शॉट्स ड्रॉप्ड इन टू द वीजल। तो जितने इस शॉट लेड शॉट इसमें डाले गए हैं वीजल में, उन वे फाइंड आउट करो। ठीक है बेटा, तो जैसे ये इन्वर्टेड कोन है, ठीक है, ये कहाँ तक फिल है? ब्रिम तक, यानी कि फुल फिल है। ये कहाँ तक फिल है? पूरा का पूरा ब्रिम तक फिल है। ठीक है बेटा, जैसे अब ये पूरा का पूरा फिल है ब्रिम से तक, तो अगर हम इसमें कुछ भी डालेंगे, जैसे ये हमने सोर्स डाले 0.5 सेंटीमीटर के, तो अब ये सोर्स डाले, अगर ये सोर्स डालेंगे तो ये तो फुल फिल था, तो क्या होगा? वाटर बाहर गिर जाएगा। वाटर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, बाहर गिरेगा। अब ये कहता है कि वाटर कितना गिरा बाहर, कि 1/4 ऑफ वॉल्यूम। इसके वॉल्यूम का जितना इसमें वाटर था उसका 1/4 पानी बाहर गिर गया। ठीक है बेटा, जितना इसमें पानी था उसका 1/4 पानी बाहर गिर गया। अब इसमें पानी कितना होगा? जितना इस वॉल्यूम होगा किसका? इस यूनाइटेड कोन का, इन्वर्टेड कोन का जितना वॉल्यूम होगा वही क्या हो, उतना ही पानी इसमें फिल था। लेकिन पानी कितना बाहर आया? 1/4 बाहर आया। किसका? टोटल पानी का। टोटल पानी क्या है? वॉल्यूम ऑफ दिस वीजल। ठीक है बेटा, तो हमें क्या क्या गिवन है? हाइट ऑफ वीजल गिवन है हमने, बिग एच मान ली कितनी? 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ वीजल गिवन है हमें, बिगार मान ली है, वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ लेड शॉट्स हमें कितनी गिवन है? 0.5 सेंटीमीटर, वो हमने क्या मान ली? स्मॉल आर। ठीक है बेटा, हमने अज्यूम किया कि ये जो शॉट्स हैं ये कितने हैं? एक्स शॉट्स हैं। ये कितने शॉट्स हैं? एक्स शॉट हैं। ये जितने ये शॉट्स कितने हैं? एक्स हैं। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्स आउट, जो वॉल्यूम होगा किसका? वाटर का जो बाहर गिर गया है वो किसके इक्वल होगा? जितने इसमें शॉट्स डले हुए हैं उनके वॉल्यूम के इक्वल होगा। जितना वॉल्यूम ये शॉट्स कंज्यूम करेंगे उतना ही हमारा वाटर क्या निकल गया है? बाहर निकल गया है। तो वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट्स इंटू एक्स, जितने ये टोटल हमने कितने माने थे? एक्स माने थे। एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट्स। ठीक है बेटा, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फेल्स आउट कितना हुआ था? 1/4 हुआ था। किसका? वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट वाटर। वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट वाटर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कौन होगा? वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 πr²h। लेकिन हमने रेडियस क्या मानी थी? बिग आर। और हाइट क्या मानी थी? बिग एच मानी थी। ठीक है बेटा, अब एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। वन लेड शॉट किस टाइप का? स्पेयर टाइप का। स्पेयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 πr³, यही होगा वॉल्यूम। अब देखो बेटा, दोनों तरफ क्या है? पाई है। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और अपॉन में क्या है? 3 है, तो 3 भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा? 1/4 r²h। और यहाँ पे क्या बचा? x इंटू 4 r³।
यही बचा। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यू 1/4 इंटू आर स्क्वेयर, बिग आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 × 5। एच, एच की वैल्यू कितनी है 8 है, 4 × 8 इजिकल टू एक्स इंटू 4 × आर क्यूब, आर क्यूब स्मॉल आर, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 0.5 थ्री टाइम्स, ठीक है बेटा 0.5। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सो वी विल टेक दीज टर्म्स फ्रॉम हेयर टू देयर, ये सारी की सारी टर्म यहाँ से दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्यों हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स इधर ही रहा, बाकी सारी इधर आएंगी, तो किस में चली जाएंगी डिवाइड में, क्योंकि सभी किस में है मल्टीप्लाई में, 5 × इधर क्या था 5 × 5 × 2 अपॉन क्या आया उधर से 4 × 0.5 × 0.5 × 0.5 ये आया उधर से। अगर डेसिमल रिमूव करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, 10 अगर यहाँ पे होगा तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10, इसका भी डेसिमल रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10, इसका भी डेसिमल रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 × 10, 2 × 4, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 × 10 100। सो लेट शोर्स इज कितने आ गए हमारे पास 100, ठीक है बेटा, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। एक सॉलिड एक आयरन पोल जिस सिलेंडर टाइप का, उसकी हाइट कितनी है 220 और बेस डायमीटर कितना बेटा 24 सेंटीमीटर है। व्हाट इज विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। उसके ऊपर क्या है 60 सेंटीमीटर हाइट का एक और सिलेंडर है, बंधा हुआ है, और उसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ पोल, पोल का मास फाइंड आउट करो, गिवन दैट 1 cm³ ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेट 8 ग्राम मास। 1 cm³ में कितना मास है 8 ग्राम है, ठीक है बेटा। तो देखेंगे ये क्या है, हमारे पास एक नीचे सिलेंडर था, उसका बेस डायमीटर था कितना 24, बेस डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर। उसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर और बंधा हुआ है, उसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर एंड इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब बड़े वाले पोल की रेडियस क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है बेटा। और इसमें देखेंगे क्या बोल रखा है कि यूज़ पाई इज इक्वल टू 3.14 और इसमें हमें पाई क्या है वो यूज़ करनी है कितनी 3.14, ठीक है बेटा। सो रेडियस ऑफ लार्ज सिलेंडर, लार्ज सिलेंडर की रेडियस हमें कितनी की बना है 24 डायमीटर था, तो 24/2 कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो अब इसको हमने क्या मान लिया बिग आर मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया बिग आर मान लिया, ठीक है बेटा। अब हाइट ऑफ लार्ज सिलेंडर, इसको हमने क्या मान लिया बिग एच मान लिया, ये कितनी गिवन है 220 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है बेटा। रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर की रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर। अब हाइट कितनी गिवन है और इसको हमने क्या मान लिया स्मॉल आर मान लिया, ठीक है। हाइट हमें कितनी गिवन है, हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर स्मॉल एच इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ पोल क्या होगा,
वॉल्यूम ऑफ, बिग या लार्ज सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। इन दोनों में हमने बिग लार्ज के लिए बिग लिए थे और स्मॉल के लिए स्मॉल लिए थे। सो पाई आर स्क्वेयर एच प्लस पाई आर स्क्वेयर एच। नाउ पुट द वैल्यू, दोनों में क्या है पाई कॉमन है, तो पाई हमने क्या निकाल ली, बाहर निकाल ली, आर स्क्वेयर एच प्लस आर स्क्वेयर एच। नाउ पुट द वैल्यूज, पाई इंटू आर स्क्वेयर, आर कितने हैं, बिग आर 12 है, 12 इंटू 12, एच बिग एच कितनी है 220 है, प्लस स्मॉल आर स्क्वेयर स्मॉल एच, स्मॉल आर स्क्वेयर 8 इंटू 8 एच 60। ठीक है बेटा, नाउ पाई इंटू 12 इंटू 12 144 इंटू 220 प्लस 8 जा 64 इंटू 60, वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। ट्वेंटी टू फोर जा 88, 22 फोर जा 88 एंड 8 96, 22 वन जा 22 एंड 9 31 एंड 0 एज इट इज़, प्लस 6 फोर जा 24, 66 जा 36 एंड 2 38 0। 3.14 प्लस करेंगे इनको तो 0 8 एंड 4 12, 6 एंड 8 14 एंड 1 15, 3 एंड 1 4 एंड 1 5 एंड 3 एज इट इज़ इनटू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 11153.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ फॉल आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, मास फाइंड आउट करना है। और हमें क्या गिवन था, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास कितना गिवन था, 8 ग्राम। लेकिन हमें तो मास ऑफ पोल निकालना है, सो मास ऑफ, अब पोल का वॉल्यूम कितना है, ये है, तो 11153.8 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इज इक्वल टू 8 into 11553.8 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 जा 64, 8 3 जा 24 एंड 2 26, 8 4 जा 30, 1 मिनट, 8 3 जा 1 सेकेंड, यहाँ पे बेटा 2 भी था, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आया, हमारे पास 2 भी आया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। ठीक है, तो 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16, 16 एंड 6 22, 2 कैरी, 8 3 जा 24 एंड 2 26, 8 5 जा 40 एंड 2 42, 8 1 जा 8 8 एंड 4 12, 8 1 जा 8 एंड 1 9, 8 1 जा 8। हमारे पास ये आ गया बेटा, ये किस में आया, ग्राम में आया। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, केजी में। केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 सो वी हैव दिस डेसिमल शिफ्ट 3 डिजिट बिफोर, सो 892.2624 kg, दैट इज़ योर आंसर। ना क्वेश्चन नंबर
7. A solid consists a right circular cone of height 120 centimeter. एक सॉलिड कंसिस्ट करता है कैसा राइट सर्कुलर कोन और उसकी हाइट कितनी है. कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर. जो कोन की हाइट है वो कितनी है 120 सेंटीमीटर है. एंड रेडियस इज 60 सेंटीमीटर. स्टैंड ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर. जो सॉलिड है वो किस पे, जो कोन है वो किस पे रखा हुआ है, हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है और उस हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर है. Placed upright in a right circular cylinder full of water. और वो किस में रखा हुआ है, एक right circular cone में रखा हुआ है और जो किस से फुल है, water से फुल है. ठीक है बेटा. Such that it touches the bottom. इसकी जो bottom वो कैसे रखा हुआ है कि उसका bottom किसे touch करता है, बिल्कुल cylinder से touch करता है. Find the volume of water left in cylinder. तो जो सिलेंडर में वाटर है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो. इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 180 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा. तो अब देखेंगे, ये हमारे पास फिगर है, ये एक राइट सर्कुलर है. इसमें क्या रखा हुआ है, एक कोन रखा हुआ है. कोन किसके ऊपर रखा हुआ है, सिलेंडर के, उसके हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है. हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर है और कोन की भी रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर है. ठीक है बेटा. और जो हाइट है किसकी, कोन की, वो कितनी है हमारे पास 120 मीटर सेंटीमीटर है. ठीक है, 120 सेंटीमीटर है. अब जो सिलेंडर की हाइट है वो अभी वो कितनी है, हमें 180 सेंटीमीटर गिवन है. अब देखो 120 और 60 हाइट इसकी हो जाएगी हेमिस्फीयर की, मींस ये बिल्कुल इसके बॉटम को भी टच हो रहा है और टॉप को भी टच हो रहा है. ठीक है बेटा. अब जो रेडियस है किसकी, सिलेंडर की, वो हमें कितनी गिवन है 60 सेंटीमीटर ही. हमें रेडियस किसकी गिवन है, सिलेंडर की रेडियस गिवन है. तो रेडियस ऑफ सिलेंडर आर वन मान लिया हमने, वो कितनी है 60 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा. अब हाइट ऑफ सिलेंडर एच वन, जो हमने हाइट ऑफ सिलेंडर मानी उसको क्या मान लिया, एच वन मान लिया, वो कितनी है 180 सेंटीमीटर है. फिर रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन भी कितनी है 60 सेंटीमीटर है. हाइट ऑफ, हाइट ऑफ कोन कितनी गिवन है हमारे पास, हाइट ऑफ कोन इज एच टू, हाइट ऑफ कोन 120 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी कितनी है 60 सेंटीमीटर है. ठीक है बेटा. अब देखेंगे कि जो रेडियस है वो तो तीनों की सेम ही है, तो हम इसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, आर ही अज्यूम कर लेते हैं. क्या हम अज्यूम कर लेते हैं, आर ही अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि तीनों की रेडियस क्या है, सेम है. ठीक है बेटा. तो हमें तो क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है. हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर. ठीक है बेटा. जो ये वाटर है इसका हमें वॉल्यूम निकालना है. तो अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. जो ये सॉलिड है इसका वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे तो क्या रह जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर रह जाएगा हमारे पास. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. ठीक है बेटा. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच. हाइट क्या है, एच वन है, तो यहाँ पे क्या आ गई, एच वन आ गई. ठीक है बेटा. माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, सॉलिड क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है बेटा. तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन एच क्या है, एच टू है.
एच क्या है यहाँ पे, एच टू है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम आ गया। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, पाई आर स्क्वायर देखेंगे, तीनों में है पाई और आर स्क्वायर, तीनों में है तो क्या निकाल लिया हमने, कॉमन निकाल लिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, पाई आर स्क्वायर हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, एच वन माइनस ब्रैकेट 1/3 एच टू प्लस 4/3। अब आर टू कॉमन निकल गया तो क्या बचा, आर वन बचा, 3 - 2 1 तो आर बचा। ठीक है बेटा, तो पाई वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इंटू वैल्यू ऑफ आर 60 × 60, वैल्यू ऑफ एच वन 180 माइनस 1/3 इंटू वैल्यू ऑफ एच टू, वैल्यू ऑफ एच टू 120 प्लस 4/3 इंटू वैल्यू ऑफ आर 60। 3 से कट किया तो कितना आ गया, 20, 3 से कट किया तो कितना आ गया, 40। ठीक है बेटा, कितना आ गया, 40। देखो बेटा, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3, 4/3 किसका होता है, वॉल्यूम फुल स्फीयर का होता है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3। ठीक है, सो 22/7 इंटू 6 × 6 36 1 × 2 0 180 माइनस 40 प्लस 22 = 40 40 + 40 = 80 सो 22/7 इंटू 360 इंटू कितना आ गया, 100 आ गया। अब 22 6 = 132 13 कैरी, 22 3 = 66 एंड 13 = 79 एंड कितनी 0 2 0 and 2 0 4 0 अपॉन 7। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए 7 1 = 7 7 1 = 7 रिमाइंडर 2 22 7 3 = 21 रिमाइंडर 1 10 7 1 = 7 रिमाइंडर 3 0 30 7 4 = 28 रिमाइंडर 2 0 20 7 2 = 14 रिमाइंडर 6 0 60 7 8 = 56 रिमाइंडर 4। अब क्या करेंगे बेटा, 2 digits तक इसका, डेसिमल के बाद 2 digits तक इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हमने क्या लगा दिया, पॉइंट के बाद 2 0 तो हमारा जो था रिमाइंडर वो कितना था, 4 था, 4 0 40 7 5 = 35 रिमाइंडर 5 0 50 7 7 = 49 रिमाइंडर 1। ठीक है बेटा, तो ये आ गया, ये किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में आया। अब देखो ये तो बहुत ज़्यादा है, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 11314 28.57 अपॉन। अब देखो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100, लेकिन यहाँ तो कितने सेंटीमीटर है, क्यूब है, मीन्स 3 times है सेंटीमीटर, तो 3 times चेंज करने के लिए 3 times क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 2 and 2 4 and 2 6 तो कितना डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 6 digits शिफ्ट हो जाएगा हमारा डेसिमल, तो कितने आ जाएंगे, 2 to 4 and 2 6 मीन्स 1.1314 2857 मीटर क्यूब। अब देखो बेटा, हम मोस्टली कहाँ तक रखते हैं, 2 या 3 digits तक रखते हैं, तो हमने यहाँ पे रखा 1.131, बाकी ये 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट हो जाएंगे, मीटर क्यूब अप्रोक्स, क्योंकि हमने नेगलेक्ट किया वो बहुत सारे डेसिमल्स को, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, अप्रोक्स। ठीक है बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए हेमिस्फेरिकल ग्लासी हैज सिलेंड्रिकल नेक 8 centimeter लॉन्ग 2 centimeter इन डायमीटर, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 centimeter बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन होल्ड ए चाइल्ड फाइंड द वॉल्यूम इज 3
145 सेंटीमीटर क्यूब, चेक वेदर इज ए करेक्ट टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट। हमें क्या लेनी है, इनसाइड मेजरमेंट लेनी है और पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14 लेनी है। ठीक है बेटा, क्या कहता है कि एक स्फेरिकल ग्लास यानी कि शीशे का विजल है, ठीक है बेटा, वो कैसा है, स्फेरिकल टाइप का है और उसकी जो नेक है वो कैसी है, सिलेंड्रिकल टाइप की है। उसकी सिलेंड्रिकल नेक की जो डायमेंशन है वो 8 मीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो क्या कहता है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हमें कि इसमें कितना वाटर आ सकता है, ठीक है बेटा। और स्फेरिकल पार्ट की जो रेडियस है वो कितनी है, 8.5 सेंटीमीटर है। तो ये स्फेरिकल पार्ट हो गया, इसकी रेडियस कितनी है, 8.5 सेंटीमीटर। ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। जो रेडियस गिवन थी या डायमीटर गिवन था, डायमीटर गिवन था 2 सेंटीमीटर। क्या गिवन था हमें, 2 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन था। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है बेटा। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये शॉर्ट फॉर्म में करवा रहा हूँ बेटा, ये खुद करना। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है बेटा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई, इसके लिए आर वन मान लेना, आर वन स्क्वेयर एच वन, इसके लिए स्फीयर के लिए पाई आर टू क्यूब। आर टू कितनी है हमारे पास, 8.5 है, आर वन कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, एच वन कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। तो वैल्यूज़ पुट करनी है और आपको आंसर फाइंड आउट करना है, जो आंसर आएगा उसको मैच करना है कि वो 345 सेंटीमीटर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो जो बच्चे ने कैलकुलेशन की है वो क्या रॉन्ग है, और आपकी कैलकुलेशन में जो आंसर आया वही आंसर करेक्ट है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।